देखती आंखों और सुनते कानों को फिनों का अस्सलाम वालेकुम। सारे फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा जी, शाम का टाइम था, मैं आज बनाने लगी थी अरवी विद ग्रेवी। जैसे ही मैं बाहर आई तो इतना यकीन करें इतना खुशगवार वेदर था कि बस मैं थोड़ी देर इसी तरह वैसे ही बैठ गई हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था। गर्मियों में जब ऐसी हवा चलती है ना तो बस यकीन मानिए दिल ही नहीं करता कुछ काम करें, दिल खुश हो जाता है। थोड़ी देर में वैसे ही खुशी खुशी बैठी रही तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर बाद ही कुछ बनाऊंगी। बहुत इंजॉय किया है। चलिए चलते हैं आप अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी विद ग्रेवी, मतलब ग्रेवी के साथ। अच्छा, सबसे पहले हमने 1 किलो कचालू लिए हैं, और आप ना ये देखा करें कि रूट्स वाले कचालू ना लिया करें, कोशिश किया करें। तो मैंने इनको बॉयल्ड होने के लिए रख लिया है। ये 15 मिनट में अच्छे से बॉयल्ड हो जाते हैं। सबसे पहले हम इन्हें बॉयल्ड कर लेते हैं, और आपने इसमें ना 1 बड़ी चम्मच भर के नमक लाजमी डालनी है। बहुत ही सिंपल मेथड है इसको बनाने का। इतनी ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बनती है, ज़बरदस्त, खाने में मज़ा आ जाता है। बस यही है ना कि आप ना पूरा फोकस अपने खाने की तरफ किया करें। जी ये बॉयल्ड हो चुके हैं कचालू, अब मैं इन्हें पील करती हूँ। सबसे पहले हम सारे कचालू को पील कर लेते हैं। देखिए जी, मेरे कचालू ना कुछ ज़्यादा ही बॉयल्ड हो गए थे। तो मैंने ऐसे किया था, हॉट वाटर में पड़े रहने दिया था। तो चलिए जी कचालू को पील करते हैं। सारे कचालू पील 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 पील, अच्छे से ये पील हो गए हैं। तो अब इसके बाद मैं एक बर्तन लेती हूँ। अच्छा, और उन्हें मैंने अब फ्राई करना है। अच्छा, आप हमेशा ये बात याद रखना है, आपने कभी भी गरम तेल में फ्राई नहीं करना। इस तरह एकदम से ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अच्छा, चूंकि मेरे ये कचालू बहुत ज़्यादा बॉयल्ड हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा, तो मैंने इनको सिर्फ 3 मिनट के लिए हल्का हल्का फ्राई किया है। आपने ना कम अज़ कम 8 मिनट मस्ट इसको फ्राई करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे कि मेरे बहुत ज़्यादा अरवी जो हैं तो ये हो गए थे नरम। जी जी जी, इनको मैंने अब निकाल दिया, सारे अरवी मैंने निकाल दिए हैं, ये इनको मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, ये जो अब ऑयल बच गया है ना, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। एक बड़े बड़ा मैंने प्याज कट कर लिया था। अब इसी ऑयल में मैंने एक प्याज और ग्रीन मिर्च बीच में डाल के इसको ब्राउन करना है। आपने भी ना ग्रीन मिर्च साथ ऐड करना है। जब ये ना ग्रीन मिर्च का अपना एक अलहदा मज़ा होता है, जो पूरी सालन में ना एक अपना टेस्ट बनाई रखता है। अच्छा जी, अब उसी ऑयल में मैं इस प्याज को ब्राउन करूँगी, और उसके बाद मैंने 2 बड़े टमाटर काट लिए थे और एक थोड़ी सी ग्रीन मिर्च फिर भी इसके अंदर दोबारा डाल दी थी। अच्छा, अब इसका मैंने पेस्ट बनाना है। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता। 1 चम्मच भर के मैंने सुरख मिर्च डाली है, आधी टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अच्छे से अब मैंने इसको मिक्स करने के बाद इसका पेस्ट बनाना है। ऐसे सही अच्छे से, ये देखिए इनकी बुनाई हो चुकी है। तो अब फ्राई किए हुए अरवी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, अब ये अरवी को ऐड करके बस जस्ट आपने ना इसको सिर्फ फ्राई करके अच्छे से मिक्स करना है, और इसे आपने ना 5 मिनट दम पे लगा देना है। ज़बरदस्त किस्म के अरवी की ग्रेवी रेडी हो चुकी है। आप इसमें 1/2 कप वाटर डाल दें, ज़बरदस्त। अब मैं इसको ना, अच्छा अब इस स्टेज पर आकर मैंने नमक डाला है, क्योंकि मैंने बॉयल करते हुए डाल लिया था ना, फिर मैंने बाद में नहीं डाला। और ये देखिए अब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। चलिए अब डिश आउट करते हैं इसे। ये देखिए जी, गर्मा गर्म। अच्छा, अरवी का ग्रेवी देखिए आप ज़रा, और ना लेमन के बगैर तो इसका मज़ा ही अधूरा रहता है। आपने लाजमी नमक ऊपर भी स्प्रिंकल करना है और रखना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।